श्री गुरु नानक जयंती है, 556 साल गुरु नानक जी को चालू हो जाएंगे दीनदवाली के दिन से। गुरु नानक देव जी जो थे उसमें कोई कौम भेद का कोई जात पात नहीं रखा। गुरु नानक देव जी ने सब संगत और पंगत को एक करा। पंगत उसको कहते हैं जो हम लोग लंगर छका दें, लंगर के अंदर कोई भी कास्ट का आदमी, राजा महाराज और हरिजन भी हमारे साथ आके बैठ सकता है, हमारे साथ भोजन खा सकता है। जो हम खाएंगे वही उसको मिलेगा, हमारे बगल में बैठा था हम उसको खा सकते हैं, वही थाली होगी उसकी और वही थाली हमारी। गुरु नानक जी ने एक प्रथा बनाई है कि लंगर की प्रथा, जहाँ भी नुकसान होता है जैसे बाढ़ आती है, धरती कम होता है और कोई भी तकलीफ पड़ती है तो गुरु का लंगर वहाँ चालू हो जाता है। हमारी कौम आज पूरे इंडिया में 2% कौम 98% की सेवा करती है, क्योंकि हमारे गुरु नानक जी ने हमको सेवा ही सौंपी। जो भी मानस देव है उसकी सेवा करो, कोई भी उसको उसमें कोई स्वार्थ नहीं, जान पास कुछ। आज गुरु नानक देव जी का जो जगत गुरु हैं उनका 19 तारीख को प्रकाश उत्सव मनाने जा रही है सर्व संगत, तो उसके उपलक्ष्य में आज अहमदाबाद की संगत ने गुरुद्वारा गोविंद धाम से नगर कीर्तन का निकाला था और अभी वो जाके 2 बजे शुरू हुआ था गुरुद्वारा गोविंद धाम से, अब समाप्ति भी वहीं पे। मेरा नाम मनदीप सिंह है दामू, मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। मैं सर अहमदाबाद की संगत को नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ।